नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीराम पर्सनल लोन के बारे में कि श्रीराम पर्सनल लोन दोस्तों आप कैसे ले सकते हैं। वैसे तो श्रीराम फाइनेंस जो है वो श्रीराम फाइनेंस आपको गोल्ड लोन, होम लोन और बाकी अदर प्रकार के व्हीकल लोन्स आपको प्रोवाइड करवाता है। वहीं दोस्तों, यदि आप श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं दोस्तों कैसे ले सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों आपको, और कितना टेन्योर के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड कर देता है और मैक्सिमम आप कितना वहां से ले सकते हैं, इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। श्रीराम फाइनेंस जो है वो काफ़ी लंबे समय से दोस्तों लार्जेस्ट व्हीकल कंपनी के रूप में जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, उसने दोस्तों अभी अभी मतलब अपने कस्टमर्स को पर्सनल लोन देना भी प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों आप पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं श्रीराम फाइनेंस से, तो श्रीराम फाइनेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप वहाँ से 15 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। 15 लाख तक का लोन आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों आपको वहाँ से लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो ये लोन कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या इसके प्रोसेस रहते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। और शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। श्रीराम फाइनेंस में दोस्तों यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड होता है पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन के लिए दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ने वाला है यहाँ से और कैसे आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वेस्ट टाइम के आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने श्रीराम फाइनेंस पर्सनल लोन को दोस्तों ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट पर्सनल लोन ऑनलाइन अप टू 15 लाख। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप श्रीराम फाइनेंस पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग दोस्तों आप यहाँ से 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं। वो भी दोस्तों यहाँ पर फीचर्स इंक्लूड आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिलता है कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट के साथ में। दोस्तों यहाँ पर आपको श्रीराम फाइनेंस जो है लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अप टू, अब दोस्तों यहाँ पर आप 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं। किक डिस्ब्रोवल दोस्तों यहाँ पर हमें लगता है प्री अप्रूवल लोन दोस्तों आपको 72 घंटे के अंदर दोस्तों आपको श्रीराम फाइनेंस पर्सनल लोन प्रोवाइड करवा लेता है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट दोस्तों ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, दोस्तों आप यहाँ पर 12 महीने से लेके 16 मंथ यानी 5 साल तक का यहाँ पर आप लोन मतलब अपना टेन्योर ले सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें दोस्तों यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम है 12% पर एनम को लेकर दोस्तों यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। यही आप दोस्तों पूरा आपको 12% के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे की बात करें दोस्तों यहाँ पर आप किस प्रकार के पर्सनल लोन में ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका ट्रैवल लोन हो गया, आपका वेडिंग लोन हो गया, शादी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी इसमें दोस्तों आपको पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं यहाँ से, और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी आप दोस्तों ले सकते हैं यहाँ से, पर्सनल लोन फॉर वुमेन और पर्सनल लोन फॉर होम लोन मतलब रिनोवेशन दोबारा अगर आप घर में कुछ भी करवा सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अप टू 15 लाख। दोस्तों 15 लाख तक का लोन दोस्तों आपको श्रीराम फाइनेंस पर्सनल लोन से ले सकते हैं। पर्सनल लोन स्टूडेंट भी ले सकते हैं दोस्तों, और फेस्टिवल लोन के लिए भी दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई एलिजिबल रहेंगे यदि आप श्रीराम फाइनेंस से कोई भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इनके फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं तो फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये आपको सारे फीचर्स 15 लाख तक का लोन दोस्तों उसके बाद दोस्तों 72 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट के साथ में दोस्तों आपको ये मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। दोस्तों इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट का चार्ट प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो इसके बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा, तो कुछ सेकंड में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका डॉक्यूमेंट जो है उसका नीचे सिंपली आपको अदर चार्जेस वगैरह रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सब कुछ अपना मेंशन किया हुआ है कि कितने अपना मिनिमम जो है लेते हैं कलेक्शन चार्जेस वगैरह, तो 500 रुपये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी वगैरह सारी की सारी डिटेल मेंशन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर लेंडिंग ऑफ द लोन व्हीकल लोन के हिसाब से है ये सिक्योर लोन के बाद अनसिक्योर्ड लोन, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में दोस्तों आपको यहाँ पर 12% से लेकर दोस्तों यहाँ पर 21% तक का आपको मिल जाता है, पर्सनल लोन में 42% तक का जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सारे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके देख सकते हैं जितने भी हैं, तो उनको दोस्तों पर्सनल लोन वगैरह जो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका मैं सीधा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रोसेसिंग फी के बाद में बात करें तो पर्सनल लोन के बाद तो अप टू 3% का दोस्तों यहाँ पर आपको ये अपना चार्ज करते हैं अगर आप प्रोसेसिंग फी यहाँ पर इनकी लेती है तो।
इसके बाद दोस्तों आपको चार्जेस, जो डॉक्यूमेंट चार्ज है वो कुछ नहीं लिया जाता है। उसके बाद बैंक चार्जेस वगैरह 500 रुपये है और स्वैप चार्जेस वगैरह 500 रुपये है। बाकी सारे चार्जेस इसको आप इनमें मेंशन इन लोगों ने किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप 12% के हिसाब से लेंगे यहाँ से, तो 12% ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 500 रुपये जो रहेगा, 3% इनकी जो प्रोसेसिंग फी है वो दोस्तों आपको श्रीराम फाइनेंस में पड़ सकती है अगर आप इनसे लोन लेते हैं तो। वही दोस्तों अगर बात करें आपको दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जब आप जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पर्सनल लोन लेने की दोस्तों श्रीराम फाइनेंस से, तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले बात कर लें एज की। तो एज दोस्तों आपको यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के आप यहाँ पर होने चाहिए। मिनिमम आपका जो एज है वो 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 60 ईयर तक आप ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ इंडियंस होना चाहिए, वो अनु मेंशन किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों पर्सनल लोन के लिए डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है वो दोस्तों आपको बताते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में दोस्तों आपके यहाँ पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, ये दोस्तों आपको इतने डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ, मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपका रेजिडेंट क्या है, तो उसमें दोस्तों आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और गैस बिल वगैरह या फिर कुछ भी आपके पास हो सकता है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ, इनकम टैक्स जो डॉक्यूमेंट होता है आपका, पे स्लिप रहेगा, पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो सकता है 6 मंथ का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका वन कैंसल चेक, यानी कि कटा हुआ एक चेक रहेगा, जो भी आपका कैंसिल चेक रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वगैरह मैंडेट वगैरह इन लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं। इनके कैलकुलेटर को भी आप यूज कर सकते हैं कि दोस्तों आपको कितने रुपए का पड़ता है, दोस्तों उसको भी आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आपको चाहिए लोन। उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का 10,000 किया हुआ है, तो 10,000 से दोस्तों यहाँ पर बढ़ा के जैसे 2,80,000 हो गया, 50,000 हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इनकी अगर आप लेंगे तो कितना मंथली ईएमआई पड़ने वाली है, 12 महीने के हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों 2 लाख यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे 50,000 रुपये, अगर मैंने 50,000 डाला 12% के हिसाब से, दोस्तों आपको कितना मंथली ईएमआई पड़ेगी दोस्तों 12 महीने के हिसाब से, दोस्तों लोन अमाउंट जैसे इतना रहेगा आपका, तो अगर इसी हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इनका कैलकुलेटर वगैरह भी आप चेंज कर चेक कर सकते हैं। फीचर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया मैंने बताई दी है दोस्तों, यहाँ से आप इस प्रकार से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को भी मिल जाता है कि पर्सनल लोन, टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन, तो वेडिंग लोन में आपको ट्रेवल लोन, इमरजेंसी मेडिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और पर्सनल लोन फॉर वुमेन, दोस्तों इस प्रकार के लोन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाती है श्रीराम फाइनेंस कंपनी। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पिन डालना है और कितना अमाउंट का आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर अप्लाई सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉल बैक आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप यहाँ से श्रीराम फाइनेंस से अपना पर्सनल लोन को ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।